अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्स दोस्ती वीडियोस और आज हम बात करेंगे विमेन बिजनेस पर्संस की। और बेसिकली कहा जाता है पाकिस्तान और बहुत सारी कंट्रीज़ में कल्चर है कि लड़का जो है वो तो बिज़नेस कर सकता है, जॉब करता है, फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। विमेन खवातीन के बारे में पाकिस्तान में, इंडिया में, बहुत सारे मुल्कों में ख्याल है कि वो सपोर्ट नहीं कर सकती। तो इस वक्त आप देख रहे हैं फोर्ब्स मैगज़ीन की टॉप लिस्ट और ये वो ख्वातीन हैं जो 2024 में जो बिलियनर बनी हैं, यानी अरबपति जिन्हें हम कहते हैं। और इसमें फेमस सिंगर केटी पेरी भी है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ख्वातीन भी हैं। तो आज की वीडियो का मकसद है, और ये लिस्ट इसलिए इंटरेस्टिंग है कि ये सेल्फ मेड वीमेन है, जिसका मतलब है कि इनके पेरेंट्स या इनके हस्बैंड्स या इनके फैमिली मेम्बर्स अमीर नहीं थे। ये मिडिल क्लास फैमिली की ख्वातीन हैं जिन्होंने फिर मुख्तलिफ तरीक़ों, मुख्तलिफ फील्ड्स में जो है ना बिलियनर बनी हैं, यानी इनकी अपनी जो ज़ाती मलकियत है वो अरब डॉलर से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर वन में जो खातून है उनकी नेटवर्थ 20 बिलियन है। लेकिन मकसद आपको बताना है कि बिल्डिंग सप्लाईज़ में, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इस काम में, तो पाकिस्तान में भी ये काम किया जाता है। एज भी आप देख सकते हैं, एज काफ़ी है, लेकिन फिर भी एक टारगेट लगना लाइफ में, तो अगर आप एक यंग वुमन है इस वक्त देख रहे हैं या टीनेजर हैं या एक सीनियर खातून है, तो अभी भी टाइम है कि आप अपनी जो है एक नाम बना सकते हैं, वेल्थ बना सकते हैं। तो ख्वातीन भी आजकल, अब चूंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सब कुछ है, उतने ही सक्सेसफुल हो सकते हैं जितने मर्द हजरात हैं। आप देखें गैस स्टेशंस के बिज़नेस में कुछ ख्वातीन इंपॉर्टेंट बिलियनर बनी हैं, कुछ आईटी प्रोवाइडर। दोबारा बता दूँ कि ये लिस्ट है टॉप 20 ख्वातीन की जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीब फैमिली से थी और अब वो बिलियनर हैं। खुद से उनके अपने जो नेटवर्थ एसेट्स हैं वो बिलियन डॉलर से ज़्यादा हैं मुख्तलिफ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 6 बिलियन, 5 बिलियन। कुछ एग्रीकल्चर में, अब हमारी बहुत सारी ख्वातीन पाकिस्तान में, इंडिया में एग्रीकल्चर में हैं, फिर पैकिंग मटीरियल, ये फिर पिज़्ज़ा, फिर कार डीलर, ट्रकिंग, एरोस्पेस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ईबे में यानी ऑनलाइन, टीवी शोज़ हैं, फास्ट फूड है, वाइन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये डिफरेंट ख्वातीन हैं जिन्होंने मुख्तलिफ, कुछ फेसबुक की वजह से, ये शेरिल सैंडबर्ग जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं फेसबुक की। तो इस तरह करके आप अपना स्टडीज़ में अगर अच्छे हैं तो उस तरह भी आप बिलियनर बन सकते हैं। अगर आप क्राफ्ट्स में अच्छे हैं, हाथ से काम कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरियल आपकी एबिलिटीज़ हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप सारी ज़िंदगी जॉब करें या आप सोचें कि सिर्फ जो है ना बिलियनर बनना जो है वो मर्दों को ही सूट करता है। आप देख सकते हैं ये सेल्फ मेड वुमेन अमेरिका की, और आप कहेंगे जी अमेरिका में तो पॉसिबल नहीं, हर जगह पॉसिबल है अगर आप मेहनत करें। और आप देखेंगे इसमें बहुत कम फील्ड है, जैसे ये गैप एक हो गया जो जनरल स्टोर है, रिटेल स्टोर है, ज़्यादातर न्यू फील्ड्स हैं जो एक्साइटिंग बात है। यानी सेमीकंडक्टर्स में भी खातून हैं जो बिलियनर बन गई, यानी सेमीकंडक्टर्स का, यानी कंप्यूटर चिप और इसका, बायोटेक्नोलॉजी जो है, इतनी खवातीन हमारी जो है इस स्टडीज़ से वाबस्ता होती हैं, इस तरह मीडिया है फिर, तो ये सब चीज़ें जो है, और इवन जॉब करते करते भी, जैसे ये फेसबुक के केस में आप बिलियनर बन सकते हो। तो मकसद पैसा कमाना नहीं है, मकसद ये है कि जिस चीज़ में आपका पैशन है, एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, उसमें आप इतना एक्सेल करें कि बजाय कि आप किसी और से सैलरी लें, आप मार्केट में जाके ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज बनाएं कि फिर आप लोगों को भी एम्प्लॉय करें, आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें। सबसे जो इंसान की अचीवमेंट होती है वो फिर अपना टाइम और अपने आइडियाज़ को जो है ना कर सकता है, वरना जॉब में या स्टे होम में जो है क्या कहते हैं, ये एक चीज़ डेफिनेटली आप फील करते हैं कि फिर डेफिनेटली आपको औरों के टाइम टेबल या रूटीन के मुताबिक चलना होता है, जो बुरी बात नहीं है क्योंकि फैमिली भी रेस करनी है, औरों को सपोर्ट भी करना है। लेकिन अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो डू ट्राई करें कि आप बीइंग ए सेल्फ मेड वुमन, आप इन ख्वातीन की तरह कोशिश करें। तो मैंने कहा कि बात करते हैं
टैक्स पे बहुत बात होती है और मर्दों के हवाले से शायद बहुत बात हो जाती है। तो फोर्ब्स की रैंकिंग है, आप इसको ज़रूर चेकआउट करें। ये 2024 की है, हर साल की है, और आपको इस पर वीडियोज़ भी मिल सकती है। तो ये इनकरेजमेंट है कि ख्वातीन अब ऐसे इन्वायरमेंट मौजूद है जहाँ अपने पैशन को फॉलो करते हुए हार्डवर्क तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन के साथ जो है चलना पड़ेगा, और ऑब्वियसली बाकी जो सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हैं, लेकिन अब बिल्कुल पॉसिबल है कि आप बिलियनर बन सकते हैं। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती वीडियोज़। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जब आप बिलियनर यानी आप अमीर बनने का सोचे तो साथ ही टैक्सेस की नॉलेज, अपनी टैक्सेशन की नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, वरना गवर्नमेंट हो सकता है आपकी हाफ से ज़्यादा, अगर आप प्लान करके नहीं चलेंगे तो हाफ से ज़्यादा आपकी दौलत ले जाए। तो इन ख़वातीन के अच्छे टैक्स कंसल्टेंट्स और अकाउंटेंट्स होंगे तो वो भी है, और आप ख़ुद अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं टैक्सेशन तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये बहुत सूटेड है ख़वातीन के लिए, क्योंकि टैक्सेशन में अकाउंटिंग में बड़ी डिटेल में जाना पड़ता है, अटेंशन टू डिटेल देनी होती है, जो ख़वातीन की स्ट्रेंथ है। मैं दोबारा आपसे इजाज़त लूँगा, बहुत शुक्रिया।